बस की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कन्नौज से, कन्नौज का एक पुल लगता है इंद्रियागंज, वहां पर एक 12 वर्षीय बच्चा डूबने की खबर है। हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं रंजीत, क्या है पूरा मामला रंजीत? जी बिल्कुल दानिश भाई, सबसे पहले आपको बता दें मामला कोतवाली गुसाईगंज क्षेत्र के इंद्रियागंज काली नदी पुल का है। यहाँ पर इंद्रियागंज अपनी बहन के यहाँ घूमने आया 12 वर्षीय बालक निवासी फरारन नाम बोरा पुत्र रामू बाउंड्री पर जब बैठा हुआ था तभी उसका पैर फिसलने से काली नदी में जा गिरा। काली नदी में जा गिरने से उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय गोताखोर रेस्क्यू करने लगे, अभी तक कोई डेड बॉडी का पता नहीं चल सका। जी दानिश जी, लड़का कहाँ फरारन, कहीं वही आसपास क्षेत्र का है? कितनी दूरी थी उस नदी से उस गांव की? जी बिल्कुल, आपको आश्वस्त कर दें चौकी क्षेत्र नौरंगपुर के चंद कदम की दूरी पर ग्राम फरारन का लड़का अपनी बहन इंद्रियागंज के यहाँ घूमने गया था। घूमने वक्त उमस भरी गर्मी में जब उसको गर्मी लगी तब वो बाउंड्री पर जा बैठा, बाउंड्री पर बैठने से उसका पैर फिसलने से वो नदी में गिर गया। जी, मौके पर गोताखोर पहुंचे हैं अभी कि नहीं पहुंचे? जी बिल्कुल, गोताखोर तो अभी तक नहीं आए लेकिन कोतवाली प्रभारी आलोक दुबे मौके पर पहुंचे अपने हमराइयों के साथ और गोताखोरों को सूचित कर दिया गया, एसडीआर टीम को सूचित कर दिया गया। कुछ ही देर में एसडीआर टीम मौके पर आकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी और डेड बॉडी को सर्च कर बाहर निकालेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है सबसे पहले आप जो है डी भारत पर हम आप दर्शकों को दिखाएंगे। रंजीत, पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। जी जी बिल्कुल।